पता चलेगा। और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसे आज पूरे राज्य में कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रखी है, बहुत सारी मुद्दे हैं, हम लोग उधर जाकर के हम लोग बात करें। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, तमाम लोगों को रोका जा रहा है, सचिवालय पुलिस और जो तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी है उनमें आपस में झड़प देखने को मिली है। देखिए पहले हम लोग बैठक कर लेते हैं, बैठक का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, कानून होता है, पहले बैठक हम लोग कर लेते हैं। किसानों के मुद्दे पर बात होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, आप सभी लोग जान रहे हैं, इतने सारे किसान आज दिल्ली के बाहर जो धरना पे बैठे हुए हैं, हाँ, और लगातार आपको क्या कहते हैं 100 से ऊपर लगभग जो है 100 के लगभग लोग जान गंवा चुके हैं। तो बड़ा दुखद है कि यहाँ पर इस देश में जो देश किसानों का है, जवानों का है, उसमें किसान आज भी बदहाल है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं शिवहर के विधायक चेतन आनंद, जो अभी तेजस्वी यादव के आवास पे मीटिंग में जा रहे हैं। सर क्या कुछ मुद्दे पे इस मीटिंग को रखा गया? देखिए अब अंदर जाकर के हम लोग पता करेंगे, पार्टी ने मीटिंग रखी है और बहुत सारे मुद्दे हैं, हाँ, कानून व्यवस्था, किसान का जो समस्या है वो, हाँ, पूरे राज्य में जो हाल है आज आप लोग देख ही रहे हैं, ये सभी मुद्दों को आज डिस्कशन हम लोग शायद करेंगे और अंदर जाकर के अब देखते हैं क्या है। सर क्या जिस तरह से कल तेजस्वी यादव जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको लेकर के पैदल मार्च किए थे, तो उस पर क्या कुछ स्टैंड लेगी पार्टी की आज? देखिए बात यह कि ये जनता का अधिकार है कि अपना आक्रोश व्यर्थ जो करना होता है वो अधिकार है, आप किसी का धरना प्रदर्शन और ये सब रोक नहीं सकते। हाँ, और आप लोगों ने देखा हमारे लीडर उधर गए, उन्होंने जो है उन सभी लोगों की बात रखी और हम लोग तो स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग पहले विधानसभा को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, फिर लोगों को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो आखिर विपक्ष आवाज़ कहाँ उठाएगा, लोग अपनी बात कहाँ रखेंगे, तो ये सारी बातें हैं। सर फरियादी यहाँ पे मिलने आ रहा है तो पुलिस द्वारा जो है अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और जो सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है उनसे तो भी काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पे? तो देखिए बात ये है कि अभी मीटिंग का टाइम है, हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद जो भी निर्देश हम लोगों को मिलेगा उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे उस सबके ऊपर। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद थे RJD के विधायक चेतन आनंद, जिनका कहना है कि अभी जो मीटिंग चल रही है वो किसानों और जो शिक्षक अभ्यर्थी जो कल धरना प्रदर्शन उस पर भी काफ़ी चर्चा होगी। आपको हम इस तरह के खबरों से अपडेट रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।